सभी से जुदा जिसका अंदाज है, जमी से फलक जिसकी परवाज है। सभी से जुदा जिसका अंदाज है, जमी से फलक जिसकी परवाज है, और वही जिस पर संगीत को नाज है, मोहम्मद रफ़ी की वही आवाज़ है। सभी को सादर प्रणाम और नमस्कार। आज के इस शो में आप सभी को तहे दिल से हम वेलकम करते हैं और स्काई विजन इवेंट्स की ओर से फिर एक बार एक बहुत ही बेहतरीन और एक स्पेशल प्रस्तुति रिमेम्ब्रेंस मोहम्मद रफ़ी। इस शो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारी हर शो में परंपरा रही है, उसी तरह आज के इस शो की शुरुआत भी हम प्रार्थना से करेंगे। तो लीजिए सबसे पहले पेश करते हैं ईश्वर वंदना। उस प्रभु को याद करके आज के इस प्रोग्राम की हमने शुभ शुरुआत कर दी है। एक के बाद एक आप सभी इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हो, शरीक हो रहे हो, तो आप सभी को वेलकम करते हुए हमारे सभी म्यूजिशियंस और सभी कलाकारों की टीम की ओर से, और ख़ास करके स्काई विजन इवेंट्स द्वारा अल्पेश पटेल जी की ओर से आप सभी के लिए वेलकम, और एक टाइटल म्यूजिक यहां से पेश करते हैं।
विजन ऑर्केस्ट्रा, स्काई विजन ऑर्केस्ट्रा, स्काई विजन ऑर्केस्ट्रा, स्काई विजन ऑर्केस्ट्रा, स्काई विजन ऑर्केस्ट्रा. धमाकेदार वेलकम आप सभी का हम सभी ने यहाँ से मिलकर किया है. दोस्तों फिर एक बार स्काई विजन इवेंट्स अल्पेश पटेल प्रेजेंट्स रिमेम्बरेंस मोहम्मद रफ़ी इस शो में आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं. द टाइटल रिमेम्बरेंस मोहम्मद रफ़ी और आज का ये दिन जो अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं उस महान पार्श्व गायक द वेरी फेमस द वेरी रेनोन्ड प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी. बॉर्न ऑन द 24th of December 1924 इन कोटला सुल्तान सिंह पंजाब एंड हु डाइड एट अ वेरी अर्ली एज ऑफ 55 years on 31st of July, that is today, 1980 in Mumbai, Maharashtra. जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब जो आज ही के दिन यानी कि 31st July उस दिन उन्होंने इस धरती पर अपनी अंतिम सांसें ली थी. लेकिन आज जब जगत पूरा विश्व शायद उन्हें हम मिलते नहीं हैं सुनते नहीं हैं लेकिन आज भी वो हम सभी के बीच जिंदा है उनके गाए हुए बेहतरीन गानों के ज़रिए. जी हाँ, ही स्टिल अलाइव अमंगस्ट अस विथ हिज वंडरफुल सॉन्ग्स. तो आज हम इसी महान गायक को एक ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. तो सबसे पहले उसी महान फनकार को याद करते हैं और एक शानदार ट्रिब्यूट के रूप में एक गाना उनके लिए यहां से पेश करते हैं. Z
बहुत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन
प्यारी सी शाम की शुरुआत हमने की है ऐसे प्यारे से गाने के साथ। और जो कलाकार हमारे बीच हैं हमारे स्काई विजन टीम की ओर से, हमारे एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर जिनको आप हर शो में सुनते तो हैं लेकिन उसी तरह उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं, और उनकी आवाज़ शायद आपके सभी के दिलों तक पहुंच गई है, वो आवाज़ थी हमारे ग्रुप से महमूद हसन साहब। बहुत ही बेहतरीन रफ़ी साहब के गाने ये गाते हैं और कहते हैं कि बहुत करीबी से उन गानों को वो निभाते हैं। तो आज जब मोहम्मद रफ़ी साहब को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उन्हीं के गाए हुए सभी गाने एक के बाद एक आपके सामने हम यहाँ से पेश करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो गाना है ये भी अपने आप में एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही एवरग्रीन गाना रहा है, शंकर जयकिशन साहब का संगीत है इस फिल्म में। लीजिए सुनते हैं फिर एक बार ये प्यारा सा गाना महमूद हसन। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से। मुसव्विर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है, कभी वो जल रहा होगा कभी खुश हो रहा होगा, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। Thank you.
जमाने भर क्यों मस्ती को निगाहों में समेटा है। गली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है। हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। फरिश्ता जमीन पे था वो गायकी का, कहाँ कोई सानी मोहम्मद रफ़ी का। वो दूल्हा वो दुल्हन बराते विदाई, कोई रंग छूटा नहीं जिंदगी का। तेरे भक्ति गीतों के पावन सुरों में हुआ दिव्य दर्शन किशन राम जी का। बुलंदी पे होके जमी पे रहा तू, है कायल जमाना तेरी सादगी का। तेरी गायकी पे है हैरा जमाना, ये बस का नहीं काम एक आदमी का। जो गीतों में डूबे नहीं गर रफ़ी के, तो मतलब नहीं फिर कोई जिंदगी का। रफ़ी ने जिसे गुनगुना भर दिया है, अमर हो गया लफ्ज़ वही शायरी का। मोहम्मद रफ़ी साहब को जब आज हम रिवाइव कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि शायद वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनके गाए हुए गानों के ज़रिए वो आज और सालों सालों तक हमारे बीच में ज़िंदा रहेंगे, मौजूद रहेंगे। रफ़ी साहब के ही गाने आपके लिए हम जब पेश कर रहे हैं, तो अब अगले जो कलाकार आपके लिए हम यहाँ से पेश कर रहे हैं, फिर एक बार हमारे स्काई विजन टीम की ओर से एक ऐसी कलाकार जिनको आप बहुत ही सुनते हैं, आप सब जानते हैं, पहचानते हैं और बहुत ज़्यादा उनका गाना पसंद करते हैं। देश विदेश में कई सारे शोज़ तो ये करते ही है, और आवाज़ एक अंदाज अनेक, ये बात है इनकी गायकी में। मैं बात कर रही हूँ आशा ठाकुर। ये है हमारे इस टीम के मुख्य फीमेल सिंगर जो आपके लिए एक गाना यहाँ से पेश करेंगी। ये जो गाना है ये भी दोस्तों ओरिजिनली ये गाना दो वर्जन्स में है, रफ़ी साहब ने भी गाया है, लेकिन जो लता जी का गाया हुआ वर्जन है वो यहाँ से हम पेश कर रहे हैं। फिल्म का नाम है तकदीर। तो लीजिए सुनते हैं आशा जी। जब जब बाहर जब जब बाहर
बहुत बहुत खूब। जी हाँ, जो शब्द है इस गाने के, उसी तरह जब जब भी ऐसे बेहतरीन गाने बजते हैं, हमारे जहन में एक ही आवाज़ आती है, मरहूम मोहम्मद रफ़ी की। जी हाँ, ये शख्स अपने आप में बहुत ही नेक दिल इंसान थे, और कहा जाता है कि प्यार से उनका जो पेट नेम था वो था फीको, और अपने 6 भाइयों में उनका नंबर 2 था। तो रफ़ी साहब अपने सभी भाई बहनों में एक ऐसे शख्स थे जिनको म्यूज़िक, जिनको संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव था। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में जब हम रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं, तो उनके जीवन के बारे में कुछ डिटेल्स मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो गाना हमने चुना है, फिर एक बार जो फीमेल वॉइस है, ये सभी गाने वही टाइप के हैं जो ओरिजिनली मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी गाए हैं, और उसका एक दूसरा वर्जन है जो फीमेल सिंगर ने गाया है। तो ऐसा ही एक गाना फिर एक बार लता जी ने गाया हुआ है, फिल्म का नाम है चिराग। लीजिए, सुनते हैं फिर एक बार आशा जी की आवाज़ में। शाम ढले
के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बहुत बहुत खूब आशा जी। रफ़ी जी हर किसी के दोस्त हुआ करते थे, चाहे वो उनके कंपटीटर्स हो या फिर उनके सहयोगी हो। हमेशा सभी के साथ उनकी दोस्ती बनी रहती थी। एंड रफ़ी वॉज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी। ही ऑलवेज पॉइंटेड टू द हेवन, एक्नॉलेजिंग द ऑलमाइटीज ग्रेस ऑन हिम। जब कभी भी उन्हें कहा जाता था कि बहुत बढ़िया गाते हो, बहुत अच्छी गायकी है आपकी, तो बस एक ही बात वो हर किसी से कहते थे, ऊपर उनका हाथ उठता था और यही बात कहते थे, ये सब उस ऊपर वाले की देन है, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन यही वो खुदा का रहम है जो मैं ये सब कर पाता हूँ, ऐसा सुरीला गा पाता हूँ। ऐसे जब नेक दिल इंसान की बात हम कर रहे हैं, तो शायद इन बुलंदियों तक ये इंसान तभी पहुंचा है क्योंकि यही बेहतरीन बात थी उनके पर्सनल, जो उनका नेचर था, उनका बिहेवियर था, उनका व्यवहार था। दोस्तों एक फिल्म आई थी ताराचंद बरजातिया की, फिल्म का नाम था दोस्ती। और इस फिल्म की एक ख़ास बात ये थी कि जो भी स्टार कास्ट था, मतलब जो भी एक्टर्स थे, वो सभी नए थे। उस वक्त के कोई भी उभरते हुए कलाकार नहीं थे, इट वाज ऑल डिफरेंट स्टार कास्ट। तो इस फिल्म के लिए जब रफ़ी साहब को अप्रोच किया गया, तो उनकी एक शर्त थी कि अगर मुझे एक भी पैसा गाने के लिए आप नहीं दोगे तो ही मैं इस फिल्म में गाना गाऊंगा। ये उनका बड़प्पन था, क्योंकि उनकी यही सोच थी कि जब सभी नए कलाकार को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो इस फिल्म में, तो मैं भी जो भी गाना गाऊंगा मुफ्त में गाऊंगा। तो लीजिए दोस्ती, जब ये फिल्म आई और जब बॉक्स ऑफिस पर इतनी सुपरहिट हुई और उसका संगीत भी ऐसा ही सुपरहिट हुआ, तो उसी फिल्म का एक गाना यहाँ से पेश कर रहे हैं। फिर एक बार हमारे स्काई विजन इवेंट्स की ओर से एक ऐसे सुरीले सिंगर जो वैसे बहुत शांत दिखते हैं लेकिन गाते हैं बहुत ही सुरीला, आपके लिए पेश कर रहे हैं मिस्टर संजय। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज
सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, दर्द भी तू चैन भी तू दरस भी तू नैन भी तू, दर्द भी तू चैन भी तू दरस भी तू नैन भी तू, तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। बहुत बहुत बढ़िया। आवाज़ मैं न दूंगा, ये गाना था राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म दोस्ती से। दोस्तों, इस फिल्म में जैसा कि मैंने पहले कहा, सभी नया स्टार कास्ट था, लेकिन कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड इस फिल्म को दिए गए। एक तो रफ़ी साहब को, वो भी इसी गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। उसके बाद थे लिरिसिस्ट मजरू सुल्तानपुरी साहब, जिनको भी इसी गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। और जो म्यूज़िक डायरेक्टर की जोड़ी थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये जो जोड़ी थी, इन्हें भी फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। और दोस्तों, इस फिल्म में एक स्पेशल बात ये रही थी कि आरडी बर्मन साहब ने हारमोनिका प्ले किया था। जो फिल्म स्कोर में बैकग्राउंड में हम सुनते हैं, वो हारमोनिका ओरिजिनली बजाया है आरडी बर्मन साहब ने। तो अब अगला गाना जो सुनते हैं, अब एसडी बर्मन साहब का संगीत हमने चुना है। फिल्म का नाम है उस वक्त की एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस हुई थी ये फिल्म, गाइड। तो गाइड फिल्म से ये गाना फिर एक बार यहाँ पर पेश कर रहे हैं संजय जी। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राह हम संग है, ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राह हम संग है। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर पल तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना,
सपने अब एक रंग है, ओ जहां दिले डायरा है हम संग है। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहां भी ले जाए रहे हम संग है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। क्या बात है, क्या बात है। ये थे हमारे इस स्काई विजन टीम की ओर से संजय जी, जिन्होंने प्यारे से गाने आपके लिए यहाँ से पेश किए। वंस अगेन लेट मी वेलकम ऑल दोज हु हैव जॉइंड अस इन दिस वंडरफुल प्रोग्राम, रिमेम्बरेंस मोहम्मद रफ़ी, इंटरनेशनल शो प्रमोटर स्काई विजन इवेंट्स अल्पेश पटेल जी की ओर से ये शानदार पेशकश और एक ट्रिब्यूट हम दे रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को। और आप सब जो हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, आप सभी को हमारी पूरी टीम की ओर से थैंक यू कहना चाहेंगे, और ख़ास कर अ ह्यूज थैंक यू टू ऑल द स्पॉन्सर्स एंड सपोर्टर्स फ्रॉम आर एंटायर टीम हु हैव बीन विद अस थ्रू आउट एंड हु कंटिन्यू टू बी विद अस थ्रू आउट। अब स्काई विजन इवेंट्स से तो आप सब वाकिफ ही हैं, कई सारे ऐसे शोज़ करते हैं और कई सारी इवेंट्स लाइक कॉरपोरेट इवेंट, कम्युनिटी इवेंट, नॉन प्रॉफिट इवेंट, वेडिंग्स एंड मेनी मोर टाइप्स ऑफ इवेंट्स भी ये करते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट फॉर फुल डीजे प्रोडक्शन एंड लाइव म्यूजिकल इवेंट्स ऑल ओवर द US। और अगर आप कुछ डेस्टिनेशन इवेंट प्लान कर रहे हैं तो हम वो भी नीड आपकी फुलफ़िल करते हैं। अगर आप हमारा कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो पीछे स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उसे आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करें, और ऐसे बेहतरीन प्रोग्राम के लिए आप ज़रूर हमारा संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि रफ़ी साहब ने उनके पूरे करियर में सबसे ज़्यादा युगल गीत यानी कि ड्यूएट सॉन्ग्स गाए थे लता मंगेशकर जी के साथ। तो अब यही जोड़ी को हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं, लता जी और रफ़ी साहब की जोड़ी जो कई सारे ऐसे एवरग्रीन गाने इस जोड़ी ने दिए हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री को। उन्हीं में से कुछ गाने हमने यहाँ पर चुने हैं। लीजिए पेश करते हैं हमारे दोनों सिंगर्स आज आपके लिए ये ड्यूएट गाना यहाँ से पेश करेंगे आशा जी, और उनका साथ देंगे महमूद हसन। मेरे मितवा आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा।
चांद चकोरी की प्रेम कहानी, चांद चकोरी की प्रेम कहानी। प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, पेश किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बेहतरीन गाने जब बजते हैं तो शायद दिल यही कहने को मन करता है कि जो इस जहाँ में गीत न होता, जो इस जहाँ में गीत न होता तो यहाँ कोई किसी का मीत न होता। ऐसे प्यारे से गाने जब बज रहे हैं तो अगला गाना जो हमने चुना है दोस्तों, ये जो गाना अभी अभी आपने सुना, ये पिक्चराइज किया गया था, फिल्म एक्टर थे राजेंद्र कुमार साहब। तो अगला जो गाना है ये भी पिक्चराइज किया गया है राजेंद्र कुमार साहब पर ही। लीजिए सुनते हैं कौन सा गाना है। फिर एक बार लता जी और रफ़ी जी की जोड़ी को यहाँ पर पेश कर रहे हैं आशा जी और महमूद हसन। दिल शाद था के फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी तेरी मोहब्बत
मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। दोस्तों, हर किसी को शायद उस शख्स का सहारा, उस शख्स का साथ नहीं मिलता जिसकी उसे ज़रूरत होती है। लेकिन हमारी इस पूरी टीम की ओर से ये बात मैं यहाँ से कहना चाहूँगी कि हम सभी बहुत ही खुशकिस्मत है कि हम सभी को आपका प्यार, आपका सहारा मिला है। और वंस अगेन वी वुड लाइक टू थैंक all of you, all the viewers, all our supporters for supporting our past events. दोस्तों, ये एक हैट्रिक शो है हमारा और हमें ये कहने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पिछली बार जो शो हमने किया था, that has reached over 100,000 viewers on the YouTube. So once again, a huge thank you to all those who have been supporting us, who have been loving us. और दोस्तों, अगर आप भी हमारी YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा जो Facebook पेज है Sky Vision Official, उसे आप
वहाँ पर बुकिंग इवेंट के लिए विजिट कर सकते हैं. हमारी जो वेबसाइट है दैट इज़ www.skyvisionevents.com. सो यू कैन डेफिनेटली विजिट दैट एंड रिव्यू आर पास्ट प्रोग्राम्स. आगे बढ़ते हैं. अब अगला जो गाना हमने चुना है ये भी एक ड्यूएट गाना है. अब इस गाने में आशा जी का साथ देंगे संजय जी, फिर एक बार रफ़ी जी और लता जी का गाया हुआ एक बेहतरीन नगमा. फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी. बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, आ गए पास हम. बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आग नहीं ये दिल की लगी है, जितनी बुझाई उतनी जली है. दिल की लगी ना तो क्या जिंदगी, साथ हम जो चले मिट गए फासले. आ गए पास हम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम. कोई नजर थी सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे. दिल ने की जा देखो इशारे, मिल के चले साथ तुम्हारे. आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे, तेरा दामन मिला प्यार मेरा खिला. आ गए पास हम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कर.
कदम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। फिर एक बार एक बेहतरीन गाना हमारे बेहतरीन सिंगर्स की ओर से। दोस्तों रफ़ी साहब की शुरुआती दिनों की अगर बात करें, एज ही वॉज बॉर्न इन पंजाब, जब पूरा परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया तब उन्होंने पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी थी सिर्फ 13 साल की उम्र में। और उसके बाद जब श्याम सुंदर जी जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उस वक्त के, उन्होंने प्लेबैक सिंगर के दौर पर रफ़ी साहब को लिया था। और लाहौर में ही एक पंजाबी फिल्म आई थी 1941 में, जहां पर रफ़ी साहब ने उनका पहला गाना गाया था। एंड आफ्टर दैट इन 1944 रफ़ी साहब आ गए मुंबई, जहां से इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने अपने कदम जमाए। और उसके बाद श्याम सुंदर जी ने ही एक अपॉर्चुनिटी उन्हें दी थी, एक ड्यूएट गाना एक पिक्चर में उन्होंने गाया था, फिल्म का नाम था गांव की गोरी। दैट वाज इन द ईयर 1945, विच वाज द फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग फॉर रफ़ी साहब इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री। यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई और शायद उसके बाद उन्होंने मुड़कर कभी नहीं देखा। आगे बढ़ते हैं, फिर रफ़ी साहब को यहाँ पर याद करते हैं और एक प्यारा सा गाना, एक ड्यूएट गाना ही है रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अपनापन। लीजिए सुनते हैं यहाँ पर संजय जी और आशा जी की आवाज़ में। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है। कब छोड़ता
छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। थैंक यू। फिर एक बार एक बहुत प्यारा सा गाना आपके लिए यहाँ पर पेश किया। दोस्तों, रफ़ी साहब की इतनी सारी खूबियाँ थी जो शायद बयां करते करते आज का ये शो जो समय है वो भी हमें कम पड़ेगा। मोहम्मद रफ़ी, he was notable for his voice and versatility. His songs ranged from patriotic songs to classical numbers, sad lamentations to highly romantic numbers, qawwalis to ghazals and bhajans. He was known for his ability to mold his voice to the person of the actor, lip-syncing the song on screen in the movie. Aisa lip-sync कि शायद जो एक्टर है हमें हूबहू यही लगता है कि खुद एक्टर ही गा रहा है, इतना सिंक्रोनाइज होता था। एंड 1950 और 1970 ये जो 20 साल का समय था, उस वक्त रफ़ी साहब वॉज द टॉप मोस्ट सिंगर और सभी म्यूज़िक डायरेक्टर उनको ढूंढते हुए कहीं ना कहीं से आते थे, लेकिन रफ़ी साहब को समय कम पड़ता था और कई सारे गाने इसी दौरान उन्होंने गाए थे। ही हैज़ रिसीव्ड ऑलमोस्ट 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड 1 नेशनल फिल्म अवार्ड, एंड इन 1967 ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये उनको इन सब अवार्ड्स से नवाजा गया था। लीजिए सुनते हैं अब फिर रफ़ी साहब का गाया हुआ एक बेहतरीन गाना। फिल्म का नाम है रूप तेरा मस्ताना, और अभी अभी जो गाना आपने सुना वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत था, और इस गाने में भी हम इसी जोड़ी को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, महमूद हसन। बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले, बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले, पर तेरी बात कुछ और है, बड़े बेखबर हैं वाले, पर मेरी
मिट गया जिस पे ये हो गए सकता, ऐसा क्यों है ये बता नहीं सकता। ये दिल तुम्हें भुला नहीं सकता, ऐसा क्यों है ये बता नहीं सकता। अफसोस तो ये है कि तुम्हें यकीन नहीं और मैं दिल चीर के बता नहीं सकता। प्यार मोहब्बत की ऐसी प्यारी सी बातों को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तों कहा जाता है कि रफ़ी साहब ने अपने करियर में He has sang almost 7,405 songs. करीबन 7,500 के करीब गाने उन्होंने अलग अलग languages में गाए थे। कोंकणी, भोजपुरी, उड़ीसा, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मैथिली, उर्दू और ये कम नहीं है इसके अतिरिक्त इंग्लिश, फारसी, अरेबिक, सिंहलीज, क्रियोल और डच लैंग्वेज में भी रफ़ी साहब ने गाने गाए हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि व्हेन रफ़ी सिंग्स अ डांस सॉन्ग यू डांस, व्हेन ही सिंग्स अ सैड सॉन्ग यू क्राई, व्हेन ही सिंग्स अ लव सॉन्ग विमेन गेट्स फीवर, एंड व्हेन रफ़ी गेट्स इनसाइड यू He becomes you and you become him. ये बात थी रफ़ी साहब के गानों में कि इतनी गहराई से उनके जो सुर लगते थे सीधे जाकर हमारे दिल में उतर जाते थे। ऐसा ही एक प्यारा सा गाना हमने यहाँ पर चुना है, एक अलग सा ही गाना है और फिर एक बार महमूद जी ये गाना यहाँ से पेश करेंगे। दिल का सुन
ढूंढेगा, दिल का सोना साथ तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहें नाल निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साथ तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहें नाल निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साथ तराना ढूंढेगा। लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना साथ तराना ढूंढेगा, सूरज साथ रहेगा जब सांसों की राहों में, गम के अंधेरे छट जाएंगे, मंजिल होगी बाहों में, प्यार धड़कते दिल का ठिकाना ढूंढेगा, दिल का सोना साथ तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहें नाल निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साथ तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहें नाल निशाना ढूंढेगा। बहुत बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सच बात यहाँ पर महमूद हसन साहब ने दोहराई है कि मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। जी हाँ दोस्तों, आज इतने साल हो गए जब रफ़ी साहब इस दुनिया को अलविदा कहकर हमारे बीच से जा चुके हैं, लेकिन आज भी हम सभी उनको याद कर रहे हैं। और अगर आपने देखा होगा तो 31 जुलाई यानी कि इसी दिन जब उनका देहांत हुआ था, तो आज अगर आप सोशल मीडिया पर देखें हर कहीं पर रफ़ी साहब के ही गाने बज रहे हैं, कई लोग खुद गाकर उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं, सभी जो फेसबुक पेज हो चाहे किसी का इंस्टा पेज हो, सभी रफ़ी साहब को एक श्रद्धांजलि देते हुए सभी कुछ ना कुछ पोस्ट रख रहे हैं। तो ये बात होती है जब इंसान इतने सालों बाद भी हर एक दिल में ज़िंदा रहता है। अगला गाना हमने चुना है फिर एक बार लता जी का गाया हुआ है और इसी गाने को रफ़ी साहब ने भी गाया है। सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, रोशन साहब का संगीत इस फिल्म में था, फिल्म का नाम है भीगी रात, और यहाँ पर ये प्यारा सा गाना पेश करेंगे हमारे प्यारी सी सिंगर आशा जी। राज आई
आशा जी की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना आप तक पहुंचाया। दोस्तों, आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और आप और हम शायद इस पूरी दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में बस रहे हैं, तो आप आपके दिल की बात हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और एक ज़रिया है, आप अपने कमेंट्स, अपना आशीर्वाद हम तक पहुंचा सकते हैं अपने आपकी कमेंट्स के ज़रिए। तो ज़रूर हमें आप इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाए, हमें मोटिवेट करें। दोस्तों, एक एक गाने जो उस वक्त के एक से बढ़कर एक मशहूर गाने आपके लिए यहाँ से पेश कर रहे हैं। बेहतरीन सिंगर्स तो है ही जो इस गाने को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के साथ जो म्यूजिशियंस की टीम है, भूपेश पंचाल और राहुल रावल की जो टीम है, वो भी एक से बढ़कर एक गाना बखूबी उसी तरह निभा रही है। तो दोस्तों, आप म्यूजिशियंस के लिए भी यहाँ पर हमें अप्रिसिएशन दें। आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो गाना है फिर एक बार लता जी की ही आवाज़ में यहाँ पर पेश करेंगे आशा जी। फिल्म का नाम है यकीन। लीजिए, सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अगर तुम सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे।
दोस्तों, ये वादा किया था रफ़ी साहब और लता जी ने एक दूसरे के साथ कि इसी तरह हम दोनों मिलकर बहुत सारे गाने इस फिल्म इंडस्ट्री में गाएंगे। लेकिन एक दौर ऐसा आया था कि रफ़ी साहब और लता जी के बीच कुछ तनातनी हो गई थी और झगड़ा इतना बढ़ गया था कि करीबन 6 साल तक ये दोनों ने एक भी गाना एक साथ नहीं गाया। द रीज़न वॉज कि उस वक्त रफ़ी साहब का ये कहना था कि अगर गाना सुपर हिट हो जाता है तो बस हमने जब वो गाना गाया है उसका जो अमाउंट हमें लेना है वो लेकर हम फिर फ्री हो जाते हैं। लेकिन उसी तरफ लता जी का कहना था कि अगर कोई एक गाना हिट होता है तो जो रॉयल्टी मिलती है उसमें से जो प्रॉफिट होता है उसका एक छोटा सा अमाउंट सिंगर्स को भी मिलना चाहिए, और रफ़ी साहब इस बात के ख़िलाफ़ थे। तो इसी बात के लिए दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और फिर एक ऐसा ही कॉन्सर्ट हुआ था जहां पर एसडी बर्मन साहब ने दोनों की सुलह करवाई, दोनों को स्टेज पर इनवाइट करके दोनों के पास एक गाना गवाया और फिर 6 साल के एक ब्रेक के बाद फिर ये जोड़ी ने ऐसे ही गाने गाए और इंडस्ट्री को कई सारे गाने इन दोनों के ज़रिए हमें मिले। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा ही प्यारा सा एक दूसरे को वादा करता हुआ गाना हमने चुना है रफ़ी साहब और लता जी। यहाँ पर फिर हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। लीजिए सुनते हैं महमूद हसन और आशा ठाकुर। Thank you.
जब से मुझे तेरा प्यार मिला, अपने तो है बस यही दुआ, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे। बहुत खूब, वाह क्या बात है। जी हाँ दोस्तों, ये गाना भी डेफिनेटली आप सभी ने पसंद किया ही होगा, आप सभी के दिल के बहुत ही करीबी ये गाना है हमें पता है, और इसलिए कहते हैं कि साथ तुम्हारा देना है और साथ तुम्हारा पाना है, साथ तुम्हारा देना है और साथ तुम्हारा पाना है, पत्थरों के इस शहर में एक कांच का घर हमें बसाना है, इस दुनिया में एक प्रीत हमें निभानी है, क्योंकि मुझे तो अब जिंदगी ही तुम्हें बनानी है। और जब एक दूसरे को ऐसा ही वादा करते हैं कि जन्मों जन्मों तक एक दूसरे का साथ हम निभाएंगे, एक दूसरे का हाथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, तब शायद उस महबूबा की तारीफ़ में हर एक महबूब यही बात कहता होगा। लीजिए सुनते हैं क्या बात होगी महमूद जी की आवाज़ में, और ओरिजिनली रफ़ी साहब का साथ दिया था आशा भोसले जी ने, तो यहाँ पर भी हमारी आशा जी रेडी है इस प्यारे से गाने के साथ। सुनते हैं फिल्म कुर्बानी से। देखूं तुझे नई नई लगे मुझे अंगों में,
अमृत की धारा, तेरे अंगों में अमृत की धारा। दिल में देखे रंग तेरे, सिख कोई रंग तेरी, बातों का अंदाज प्यारा, तेरी बातों का अंदाज प्यारा। शरारत से चेहरा चमकने लगा क्यों, शरारत से चेहरा चमकने लगा क्यों। ये रंग लाई हिजरत तुम्हारी, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। जो तुम्हें छीना नामुमकिन है उसका जीना, कैसे नजर कोई डाले तुम पे, कैसे नजर कोई डाले। प्यार पे अपने इतना भरोसा, प्यार पे अपने इतना भरोसा, बिटना मोहब्बत फितरत हमारी, क्या देखते सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो चाहत तुम्हारी, ना जो कहते कहना सकोगी, लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। एक बार एक प्यारा सा गाना, और ये गाना सुन के भी डेफिनेटली आप सभी ने अपने अपने लवर को, अपने अपने महबूब को ज़रूर याद किया होगा। और अगर रफ़ी साहब की बात करें तो रफ़ी ऑलवेज कन्वेड द राइट मूड, द राइट इमोशन, द राइट अंदाज फॉर ईच एंड एवरी सॉन्ग विच ही सैंग। ईच मेलोडी वॉज संग विथ करेक्ट हरकत, perfect murki and right intonation. He truly understood the little nuances of diction, sukshma bhed of each and every tune. Seekhe hue gayak the aur har ek gana ko itne behtareen tarike se wo nibhate the aur har ek notes jo unke lagte the bahut hi behtareen wo gayaki thi unki. Aur कहा जाता है कि रफ़ी साहब के गानों में अलग अलग भाव, अलग अलग इमोशंस वो पैदा करते थे। ऑलमोस्ट 517 इमोशंस, एक ह्यूमन बीइंग के 517 इमोशंस अपने गायकी के ज़रिए रफ़ी साहब पेश करते थे। ये भी शायद किसी और के लिए मुमकिन नहीं था, बट रफ़ी साहब को डू इट। आगे बढ़ते हैं, अब जब ये तीन सिंगर्स हमारे टीम के यहाँ पर आ चुके हैं तो एक ट्रायो सॉन्ग हमने यहाँ पर चुना है। रफ़ी साहब का साथ दे रहे हैं मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर ने इस गाने में प्लेबैक सिंगिंग किया है। लीजिए सुनते हैं हमारे तीनों सिंगर्स की ओर से, फिल्म का नाम है और गाना भी है दिल ने फिर याद किया। फिर याद किया बर्क सी लहराई,
फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है और कोई चोट मोहब्बत की उभर आई। तुमने फिर याद किया, खेल ही खेल में क्यों जान पे बन आई है, कोई चोट मोहब्बत की उभर आई। फिर याद किया, सॉन्ग था जो ओरिजिनली भी तीन प्लेबैक सिंगर्स ने गाया है और यहाँ पर भी हमारे स्काई विजन इवेंट्स की टीम की ओर से तीन ऐसे बेहतरीन कलाकारों ने यहाँ पर पेश किया। दोस्तों ये तो बात थी सिंगर्स की, लेकिन एक फिल्म आई थी जिसमें भी एक ट्रायो जोड़ी थी और कहा जाता है कि दो दोस्त थे और दोनों दोस्तों को एक ही लड़की से जब प्यार हुआ और फिर जाकर उन दोनों के बीच कुछ अनबन बनी। स्टार्स थे अमिताभ जी और शत्रुघ्न सिन्हा और जो उनकी प्रेमिका थी वो थी जीनत अमान। जी हाँ, फिल्म का नाम था दोस्ताना और अब इसी फिल्म का एक प्यारा सा गाना जो ये दोनों दोस्तों ने इसी दोस्ती को बयां करते हुए पेश किया था, यहाँ से सुनते हैं फिर एक बार। संजय जी और उनका साथ देंगे महमूद हसन और ओरिजिनली ये गाना गाया है रफ़ी साहब और किशोर कुमार। लीजिए सुनते हैं प्यारा सा गाना। मैं
चाहे दुश्मन जमाना हमारा, तुम्हें चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, तुम्हें चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, तुम्हें चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन वो ख्वाबों के दिन वो ख्वाबों के दिन वो ख्वाबों के दिन सवालों की रातें जवाबों के दिन कई साल हमने गुजारे यहाँ कहीं साथ खेले हुए हम जवान बचपन बड़ा आशिकाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा तुम्हें चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा मर के भी हम दोस्तों ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों हमें दोस्ती की कसम दोस्तों पता कोई पूछे तो कहते हैं हम एक दूजे के दिल में रहते हैं हम रहते और कोई ठिकाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा तुम्हे चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा तुम्हे चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। क्या बात है, क्या बात है संजय जी और महमूद जी ने बहुत ही कमाल यहाँ पर कर दिया। और ये दोस्ताना जो यारी दोस्ती की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, रफ़ी साहब और किशोर कुमार जी ने ये गाना गाया था, लेकिन ये बात सिर्फ गायकी तक नहीं थी, ये दोनों यानी कि रफ़ी साहब और किशोर कुमार आपसी में भी ऐसे गहरे दोस्त हुआ करते थे। और कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी सरकार थी हमारे इंडिया में, तब उन्होंने किशोर कुमार के गानों का बहिष्कार किया था और तब रफ़ी साहब ने खुद इस मामले को सुलझाने के लिए वो खुद दिल्ली तक गए और संजय गांधी जी से मिले और उन्होंने किशोर कुमार जी की वकालत की थी। और कहा जाता है कि जब रफ़ी साहब की जो बॉडी थी, जब उनका देहांत हुआ, तो उनकी बॉडी के पास बैठकर किशोर कुमार घंटों तक एक छोटे बच्चे की तरह रोते रहे थे, क्योंकि वो शायद इस बात को
डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि अब रफ़ी साहब उनके साथ नहीं है। तो ये थी गहरी दोस्ती जो ये दोनों कलाकार एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ बेहतरीन गानों की छोटी सी झलक आपके सामने पेश कर रहे हैं। फिर एक बार हमारे सिंगर्स यहाँ पर रेडी है, तो लीजिए आपके लिए ये प्यारे से गाने यहाँ से पेश करते हैं। चले आज तुम जहाँ से हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने जो दे दिया हम बेमौत मर गए, चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तड़प रहे हैं हम यहाँ
तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। फिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, बदल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, ना जाने तुम कब आओगे, ना जाने तुम कब आओगे। ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, और डेफिनेटली ये गाने सुनकर आप ज़रूर कहीं खो गए होंगे। जी हाँ, यही बात होती है जब स्काई विजन इवेंट्स की ओर से ऐसी शानदार पेशकश होती है। आप सब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, स्काई विजन इवेंट्स अल्पेश पटेल प्रेजेंट्स रिमेम्बरेंस मोहम्मद रफ़ी। और दोस्तों, इस प्रोग्राम के तहत मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत ही बेहतरीन गाने हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यही रीत रही है स्काई विजन इवेंट्स की कि हर बार कुछ डिफरेंट सा ये प्लान करते हैं। और आज का दिन भी जब 31 जुलाई है, तो हमारे अल्पेश पटेल जी ने ये मौका बहुत ही बेहतरीन समझा कि रफ़ी साहब को उनके देहांत के दिन ही आज एक ट्रिब्यूट दे और उनके गाए हुए गाने हम आप सभी तक पहुँचाए। दोस्तों, हम सब दुख तो हम सभी को बहुत है कि आज शायद रफ़ी साहब कुछ साल ज़्यादा अगर हमारे बीच होते तो और भी कई सारे ऐसे बेहतरीन गाने इस इंडस्ट्री को वो दे गए होते। लेकिन कहते हैं कि जब अच्छे और नेक फरिश्तों की ज़रूरत धरती पर होती है तो ऊपर भी ज़रूर होती है। और 55 ईयर्स का जो स्पैन था उनकी लाइफ का, इतने सालों में भी ऐसे बेहतरीन गाने जब रफ़ी साहब ने दिए हैं तो आज हर कोई इंसान दिल से उन्हें दुआएं देता है, उन्हें याद करता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला गाना जो है दोस्तों, ये गाना इस फिल्म में एक थीम सॉन्ग है और बार बार ये गाना इस फिल्म में बजता है। एक वर्जन रफ़ी साहब ने भी गाया है और बाद में किशोर दा ने भी एक वर्जन गाया है। यहाँ पर हम सुनेंगे आशा जी की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना। फिल्म का नाम है प्यार का मौसम। Thank you.
यहाँ पर आशा जी ने ये गाना पेश किया। दोस्तों इस गाने में जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो थे आरडी बर्मन साहब, और रफ़ी साहब और आरडी बर्मन जी की अगर बात करें तो कहा जाता है कि रफ़ी साहब को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, और जब कभी भी आरडी बर्मन साहब की स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुआ करती थी तो ख़ास मुंबई के भिंडी बाज़ार से गाजर का हलवा पैक करवा कर रफ़ी साहब ले जाते थे, और हमेशा पंचमदा को यही कहते थे कि अगर मीठा खाओगे तो ऐसा ही मीठा गाओगे, ये बात थी। और ख़ुद तो खाते थे लेकिन सभी म्यूजिशंस के लिए, उस स्टूडियो में जो कोई भी शख्स रहता था सभी के लिए वो ये गाजर का हलवा लेके जाते थे, और ख़ुद भी खाते थे, सबको भी खिलाते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब जो गाना है एक ऐसा ही मस्ती भरा गाना हमने चुना है, फिर एक बार यही जोड़ी लता जी और रफ़ी साहब का ये गाना, फिल्म का नाम है दो रास्ते, और ये गाना सुनते हैं फिर एक बार आशा जी और महमूद हसन जी की आवाज़ में। छुप गए सर नजारे हुई क्या बात हो गई, छुप गए सर नजारे हुई क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन रात हो गई, मिल गए नैनों से नैना ओए क्या बात हो गई, मिल गए नैनों से नैना ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना, तेरे होठों पे रात ये बहाना था, कोई तुझको तो आज नहीं आना था, तू चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई, तू चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात
रात हो गई। थैंक यू। वाह वाह, ऐसा तड़कता भड़कता गाना और मस्ती भरा ये गाना व खूबी हमारे ये दोनों सिंगर्स ने यहाँ से पेश किया। दोस्तों, ये जो बात होती है, यही बात होती है हमारे स्काई विजन इवेंट्स के हर एक प्रोग्राम में, और हर एक प्रोग्राम को आप सब इसी तरह लाइक कर रहे हो, उसके लिए हम हमारे सभी प्रमोटर्स, सभी स्पॉन्सर्स का भी तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दोस्तों, आप सभी को जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि ये एक हैट्रिक हमने यहाँ पर की है। हमारे तीन प्रोग्राम्स जो हो चुके हैं, वन वॉज ओल्ड इज गोल्ड द एवरग्रीन मेलोडीज, इट हैज़ क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 143,000 व्यूज़, और उसके बाद था अनफॉरगेटेबल एवरग्रीन मेलोडीज, दैट हैज़ क्रॉस्ड 132,000 व्यूज़, और उसके बाद था फादर्स डे सेलिब्रेशन का जो प्रोग्राम, दैट हैज़ क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 115,000 व्यूज़, और हमारा पिछला जो प्रोग्राम था दैट हैज़ रीच्ड ओवर 100,000 व्यूज़ ऑन द यूट्यूब। तो यही एक शानदार बात है हमारे स्काई विजन की, जो हर बार यही कोशिश में रहता है कि किस तरह आप सभी का हम एंटरटेनमेंट करें। आगे बढ़ते हैं, अब जो गाना है ये एक ऐसा गाना है दोस्तों कि पूरे जो सभी गानों में टॉप थ्री में जिस गाने का दर्जा आता है, कुछ ज्यूरी थी म्यूजिशियंस की जिन्होंने गानों को रेटिंग्स दी थी, और ये गाना है जो वो टॉप थ्री गानों में आता है। कौन सा गाना है सुनते हैं महमूद हसन की आवाज़ में। गाना मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बट आई एम श्योर इट्स अ मेस्मराइजिंग सॉन्ग विच इज़ ट्रूली गोइंग टू गिव यू गूज बम्स। लिसन टू दिस वंडरफुल सॉन्ग। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि यहाँ न हो, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या कथा है, होता है ये भी के जमीन से भी कभी आसमान मिल गया। जहाँ
सुरीला नगमा हो, भीगी रातों में मस्ती, कपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो, जाने न दूंगा के मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया ये जहां। जोरदार तालियां तो हम सभी बजाते ही हैं इस पूरी टीम के लिए।
लेकिन दोस्तों ये जो कमाल कर रहे हैं, सभी हाथ जो पीछे काम कर रहे हैं, इनकी एक छोटी सी मुलाकात आप सभी से करवा देती हूँ। क्योंकि जब ओरिजिनल गाना बजता है तो कई सारे म्यूजिशियंस उस गाने पर काम करते हैं, और कहा जाता है कि मदन मोहन साहब जिसका ये संगीत था, उनके करियर की एक बेहतरीन फिल्म ये रही है, एक बेहतरीन म्यूज़िक इस फिल्म में उन्होंने दिया है। लेकिन आज इस स्काई विजन टीम की ओर से जो भी म्यूजिशियंस हमारे बीच हैं, उन सभी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं, तो ठीक मेरे पीछे जो तबला पर संगत दे रहे हैं मिस्टर योगेश प्रजापति, उन्हीं के पास है कॉन्गो ढोलक पर जो बहुत ही सुरीला बजाते हैं, लाला भाई कहकर हम उन्हें पुकारते हैं। बीच में जो सेंटर में है पूरी ऑर्केस्ट्रा टीम जो हैंडल कर रहे हैं, जो रिदम अरेंजर है वो है भूपेश पंचाल ऑन द ऑक्टोपैड। उन्हीं के पास मेलोडी में जो साथ दे रहे हैं ऑन द गिटार इट इज़ मिस्टर शैलेश भाई श्रीपाली, और साथ ही में कीबोर्ड पर है ये भी हमारे एक मेन म्यूज़िक अरेंजर है मिस्टर राहुल। तो ये पूरी टीम है ऑर्केस्ट्रा की जो बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक और उस म्यूज़िक को जस्टिस दे रहे हैं। हमारे साथ जो वीडियोग्राफिक्स और अलग अलग जो आप सब पीछे देख रहे हैं वो पेश कर रहे हैं मिस्टर अक्षय। साउंड इज़ बाय सोमिल परीख, ही इज़ द साउंड इंजीनियर, और स्टूडियो है सैम्स साउंड। हमारे सिंगर से तो आप सभी वाकिफ ही है, मायसेल्फ तृप्ति शाह हु इज़ होस्टिंग द एंटायर शो। आगे बढ़ते हैं, अब अगला गाना फिर एक बार एक डिफरेंट ही रिदम में इस गाने को गाया गया है। फिल्म का नाम है प्रोफेसर, और रफ़ी साहब और लता जी का ये प्यारा सा डुएट फिर एक बार आपके लिए यहाँ से पेश करते हैं। जरा दिल की जानिब ने
निगाहें झुकाओ, मोहब्बत में इतना ना को सताओ। आवाज देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना को सताओ। बहुत खूब दोस्तों, ये जो गाना है इतना गहरा, ये गाना और प्यारा सा यहाँ पर हमने ये गाना पेश किया। और हमारा भी दोस्तों ये वादा है कि आवाज़ देकर जब कभी भी आप बुलाओगे तो हम आपके लिए हाजिर होंगे। दोस्तों, ये शानदार पेशकश आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं स्काई विजन इवेंट्स अल्पेश पटेल प्रेजेंट्स रिमेम्बरेंस मोहम्मद रफ़ी। और ऐसे ही अलग अलग प्रोग्राम्स ये डिज़ाइन खुद करते हैं, सभी गानों को खुद ये सिलेक्ट करते हैं। और एक यही कोशिश होती है कि किस तरह कुछ अलग बेहतरीन तरीके से हर एक शो को आप तक ये पहुंचाए। तो हम स्काई विजन इवेंट जो हमारी टीम है, बहुत सारे ऐसे शोज़ करते हैं। हम हमारे स्पॉन्सर्स और सपोर्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे कई सारे इवेंट्स लाइक कॉरपोरेट्स, कम्युनिटी इवेंट्स, नॉन प्रॉफिट इवेंट्स, वेडिंग इवेंट्स और सभी टाइप के प्रोग्राम्स हम करते हैं। और ख़ास करके यूएसए में और पूरे विश्व में, और अगर आप कोई डेस्टिनेशन इवेंट भी प्लान करते हैं तो हम ऐसे शोज़ करते हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड लाइव डीजे एंड फुल डीजे प्रोडक्शन एंड एंटायर टीम ऑफ म्यूजिशंस एज वेल। और अगर आप हमारा वेबसाइट विज़िट करना चाहते हैं तो इट इज़ www.skyvisionevents.com। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज स्काई विजन ऑफिशियल पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और पीछे जो स्क्रीन पर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं, उसका कॉन्टैक्ट आप ज़रूर कर सकते हैं। और आपके भी अगर ऐसा कोई प्रोग्राम्स अगर आप सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब फिल्म जंगली का ये गाना, जो भी दो वर्जन है, रफ़ी साहब ने भी गाया है और यहाँ पर लता जी का गाया हुआ ये गाना हम पेश करेंगे आशा जी की आवाज़ में। सान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है, वो कह ले दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है, वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा हो गा मुझ पर I'm not afraid.
बहुत खूब आशा जी ने ये शानदार गाना यहाँ पर पेश किया। क्या बात है। अब अगला गाना दोस्तों, फिर एक बार एक अलग सा एक मस्ती भरा गाना, जब एक दो प्रेम प्यार करने वाले जो दो होते हैं तो कहते हैं कि जब छुप छुप के मिलते हैं तो कई सारे बहाने बनाकर वो जो लड़की होती है वो अपने प्रेमी से मिलने आती है। ऐसा ही एक मस्ती वाला गाना यहाँ पर हम सुनेंगे। एक डिफरेंट सा मूड है इस गाने का, और फिर एक बार रफ़ी साहब और लता जी का ये ड्यूएट आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। फिर एक बार महमूद हसन और आशा जी।
क्या बात है, एक डिफरेंट ही मूड इस गाने का यहाँ पर ये दोनों बेहतरीन सिंगर्स ने बना दिया। दोस्तों जब कभी भी गाने बजते हैं एक जो फील के साथ अगर वो गाना गाया जाए तो डेफिनेटली उस गाने को ये सभी सिंगर्स निभा रहे हैं और यही कोशिश है हम सभी की कि हर एक गाना हम आपके दिल तक पहुँचाए। जो पूरा ये प्रोग्राम है सभी एक ट्रिब्यूट हम दे रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को, तो कहते हैं कि अलग अलग किस्म के गाने रफ़ी साहब ने गाए हैं, फिर चाहे वो देशभक्ति के गाने हो या वो प्रेयर हो, कुछ प्रार्थना हो, फिर वो कुछ फोक म्यूज़िक हो या फिर कोई ऐसा ही प्यार वाला गाना हो, हर एक गाने को बखूबी रफ़ी साहब निभाते थे। अब आगे बढ़ते हैं, एक अलग सा मूड फिर एक बार यहाँ पर हम बना रहे हैं। ये भी एक ड्यूएट है रफ़ी साहब और लता जी का गाया हुआ ये गाना, फिल्म का नाम है शागिर्द और म्यूज़िक डायरेक्शन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का। लीजिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना फिर एक बार हमारे सिंगर्स की आवाज़ में। करो वो हंस के यूं बुलाए
है कि हो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने जब बजते हैं तो शायद इन गानों को सुनने के लिए हमें वक्त कम पड़ जाता है, और कहते हैं कि इतने कम समय में इतने बेहतरीन गाने जो रफ़ी साहब ने गाए हैं, तो वही गाने सब हम भी एक एक करके आपके लिए पेश कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट अब इस प्रोग्राम के एंड में हम आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे गाने हम आज मिस भी कर रहे हैं। कई सारे गानों को हमने सिलेक्ट करके आप तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। अब उन्हीं गानों में से कुछ गानों की एक छोटी सी झलक आपके लिए यहां से पेश करेंगे। फिर एक बार महमूद हसन साहब आपके लिए ये शानदार पेशकश, कुछ अलग से गाने रफ़ी साहब के आपके लिए यहाँ से पेश करेंगे। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे रहे तेरा प्यार खुश रहना मेरे जब जा कोई इंसान को मारे जब जानवर कोई इंसान को मारे कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है क्यों है संसार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार खुश रहना मेरे यार खुश रहना मेरे यार। ये महफिल मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल
दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले, उनको खुदा मिले है खुदा की तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दोनों ने किया मुझे याद रहा तू भूल गई, मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा तू मुझको छोड़ चली, मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा तू मुझको छोड़ चली। अपने दिल की सजा से आसमां को हिला के रहूंगा, मौत की नींद में सोने वाली आज तुझको जगा के रहूंगा, तू न जा रूप वापस बुला के रहूंगा, ओ मेरी आत्मा आत्मा को आत्मा से मिला के रहूंगा, दूर मेरी दुल्हन आज होगा मिलन मेरी महुआ, ओ तेरे वादे क्या हुए तू है ही शानदार पेशकश यहाँ पर महमूद हसन साहब की आवाज़ में हमने सुनी, एक से बढ़कर एक गाने आप तक पहुँचाए। और दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती है एक कहानी बनकर, मगर कुछ शख्स जो हमेशा दिल के करीब रहेंगे कभी मुस्कान तो कभी आँखों का पानी बनकर। ऐसे ही शख्स थे मोहम्मद रफ़ी साहब जिनको हम आज याद कर रहे हैं, उन्हीं के गाए हुए गानों के ज़रिए आज हम उनको एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अब फिर
क्या बात है। अब जब हम इस प्रोग्राम के एंड तक ऑलमोस्ट आ चुके हैं तो आप सभी को भी हम शब्बा खैर कहेंगे कुछ देर के बाद, लेकिन उसके पहले ये गाना आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर एक बार लता जी और रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना यहाँ पर पेश करेंगे हमारे ये प्यारे से सिंगर्स। कैसे जाओगे निकल कर दिल से, वो आसान है जन्म महफिल से, कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मेरे यार शबा है, मेरे यार शबा है, मेरे यार शबा है, मेरे यार शबा है। सभी के लिए आप सभी का ढेर सारा प्यार आप ज़रूर दें। बहुत ही बढ़िया ये गाना, ये शानदार प्रस्तुति यहाँ पर इस स्काई विजन टीम की ओर से आपके लिए हमने पेश की। जी हाँ, ये गाना तो था खैर शब्बा खैर, हमने आप सभी को कहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता, और भी एक दो प्यारे से गाने हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा रफ़ी साहब की बात है तो दोस्तों उनके गानों को सुनते सुनते शायद हमें सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता, इसलिए और एक प्यारा सा गाना फिर एक बार यहां से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे
बता दूंगी Orchestra.